दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे में अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं। अब घर से काम करने में जो परेशानी आती है, वो सबसे बड़ी परेशानी इंटरनेट की है। अब इंटरनेट के लिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि राउटर लगवा रहे हैं, क्योंकि घर से काम करने के लिए कई बार हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो वे जब राउटर लगवा रहे हैं, अगर आपके पास घर में लैपटॉप होता है, तब तो आप वाईफाई के जरिए राउटर से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास डेस्कटॉप है या फिर पीसी है, तो ऐसे में आपके सामने बाधा आती है कि आप उसको राउटर से कैसे कनेक्ट करें। या तो आप उसे लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने डेस्कटॉप को, ऐसे डेस्कटॉप को जिसमें वाईफाई की सुविधा नहीं है, उसे आप राउटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं गैजेट पंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां मिल सके। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आप अपने कंप्यूटर को डाटा केबल की मदद से कैसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, या वाईफाई डोंगल की मदद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में अगर वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो आप अपने राउटर से अपने डेस्कटॉप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी वाईफाई डोंगल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राउटर से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है, आप लैन केबल की मदद से आप राउटर से अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप वाईफाई की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैन केबल से कनेक्ट करने में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि आपको अपना पीसी को राउटर के बगल में रखना पड़ता है। कई बार यह संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आपका पीसी अगर राउटर के बगल में नहीं रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने राउटर से कनेक्ट कर लीजिए। उस मोबाइल को राउटर से कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि अपने पीसी में अपने मोबाइल का डाटा केबल कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट करना है। जब आप मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको अपने सेटिंग्स में जाकर के यूएसबी टीथरिंग को ऑन कर देना है। जैसे ही आप यूएसबी टीथरिंग को ऑन कर देते हैं, तो यूएसबी टीथरिंग को ऑन करते के साथ आपका पीसी आपके मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और आपका मोबाइल जो है वो आपके राउटर से कनेक्ट है। और जो स्पीड आपका राउटर देगा, वही स्पीड आपको अपने मोबाइल से मिलने लगेगी, क्योंकि आपका मोबाइल राउटर से कनेक्ट है और मोबाइल पीसी से कनेक्ट है। और आप इस तरह से हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद अपने पीसी पर ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी वाईफाई डोंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल word2word.in जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल word2word news को सब्सक्राइब करें।